गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 7 स्टोरी है अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइज। आपने हेयर एंड टॉर्टोइज के बारे में तो आपने स्टोरी सुनी होगी पहले, ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में अगेन, यानी को आपको फिर से पढ़नी है। ओके लेट्स स्टार्ट। Do you remember the great race between the hare and the tortoise? क्या आपको याद है hare and tortoise के बीच में रेस हुई थी? For a long time, बहुत टाइम पहले, no one in the entire animal kingdom could talk about anything but the great race and its two contestant. दो contestant थे, कौन थे? hare and टॉर्टोइज, ठीक है। वी ऑल नो, हम सब लोग जानते हैं दैट द हेयर वॉज डेफिटेड, हेयर है वो क्या हो गया था, हार गया था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेजी एंड ओवर कॉन्फिडेंट। वो क्या था, लेजी था और ओवर कॉन्फिडेंट, उसको ऐसा लगता था कि नहीं मैं ही जीतूंगा, मैं सबसे फास्ट दौड़ता हूँ तो मैं ही जीतूंगा, उसका ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट था और आलसू भी इतना ही था। वी नो दैट द टॉर्टोइज वॉन द रेस, हम लोग जानते हैं कि टॉर्टोइज है वो जीत गया था, बिकॉज ही वॉज स्लो एंड स्टेडी, हेयर जो है वो बहुत फास्ट दौड़ता था इसलिए वो थक गया बीच में तो रुक गया, और ये कछुआ जो है टॉर्टोइज है वो जीत गया, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता और अच्छी तरह से चलता था, वो बीच में स्टॉप नहीं हुआ और अच्छे से वो पहुंच गया। द फॉरेस्ट एनिमल न्यू दिस टू, जो जंगल के जो एनिमल्स थे वो भी सब लोग जानते थे, एंड वी कंटिन्यूएड टू रिस्पेक्ट बोथ क्रिएचर्स इक्वली, पर सब लोग जानते थे कि कौन जीता था और कौन हारा था, पर जो सभी जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स थे वो दोनों जो क्रिएचर्स थे हेयर एंड टॉर्टोइज वो दोनों को इक्वली रखते थे। Even the two competitors reminded friends. वो दोनों तो भी मन में एक दूसरे का दुख नहीं लगा था कि ये मैं हार गया तो मुझे ये नहीं, वो दोनों फ्रेंड बन गए, दोनों कॉम्पिटिटर्स से वो फ्रेंड बन गए। The tortoise did not assume as because he had won. And the hare, realizing he had been defeated fair and square, bore the tortoise नो ग्रेट्यूर। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कछुआ को पता है कि मैं ही जीत गया हूँ और मेरी अच्छा है, यानी कि मैं स्टडी और स्लोली से मैं चल रहा था, और जो हेयर है वो बहुत लेजी था और क्या था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, वो इसलिए वो हार गया है। मैनी मंथ्स पास्ड, बहुत सारे मंथ्स निकल गए। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन होता है? यस लायन। ओके द किंग ऑफ द जंगल वेयर द हेयर एंड द टॉर्टोइज लिव हैड सम इम्पोर्टेंट मैटर्स टू डिस्कस विद द जंगल ऑफ द नेबरिंग जंगल। जो पड़ोसी यानी नेबर यानी पड़ोसी बोलते हैं, जो पड़ोसी का जो जंगल होता है, जंगल था वहाँ पे, तो वहाँ का जो किंग था उसके बारे में जानने के लिए वो खुद जो राजा था जंगल का वो नहीं गया, उन्होंने किसको भेजा? यस टॉर्टोइज एंड हेयर को वहाँ पे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ का उसके थॉट्स जानने के लिए, जो दूसरा जो जंगल था उसका जो राजा था उसका थॉट्स जानने के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया। बट द फर्स्ट किंग could not leave his jungle just then. वो अपना जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। He decided, उसने decide क्या किया? Instead मेरी जगह कौन जाएगा? To send the hare and the tortoise to the neighboring king as his representative. वो दोनों वहाँ पर जाएंगे। At least one of you must go to the neighboring kingdom, ordered the king when the hare and the tortoise had presented themselves. वो लोग वहाँ पे
उनको ऑर्डर किया, ये जो किंग था, ये टॉर्टोइस एंड हेयर को दोनों को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए वहाँ पे उनको भेजा गया, यानी कि ऑर्डर किया। आई वॉन्ट यू टू डिस्कस सर्टेन इम्पोर्टेंट मैटर्स विद द किंग देर एंड कम बैक टू मी विथ दिस थाट्स ऑन दोज मैटर्स। जंगल का राजा था, वो क्या बोलते थे टॉर्टोइस और हेयर को कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ के किंग के बारे में अच्छे थाट्स से उनके जो मैटर है वो आप जान के वापस यहाँ पे आना। नाउ गो, अब आप जा सकते हो। ही सेड, वो बोलते हैं एज ही डिसमिस देम एंड माइंड यू ओनली हैव अ डे टू कम्प्लीट द टास्क। वो लोग एक डे यानी कि एक दिन के लिए उनको बोला था वहाँ पे जाने के लिए। द रोड टू द नेबरिंग किंगडम वॉज नॉट स्मूथ और ईजी, वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता था वो अच्छा नहीं था। इट वॉज रॉकी एंड फुल ऑफ थॉर्न्स, बहुत सारे कांटे और पत्थर वगैरह थे। देर वेर ऑल्सो टू रिवर्स टू क्रॉस ऑन द वे, दोनों रिवर्स क्रॉस करनी थी वहाँ पे दूसरे जंगल में जाने के लिए। आफ्टर सम थॉट्स, उन्होंने क्या विचारा, बट बोथ द हेयर एंड द टॉर्टोइस रियलाइज दैट नाइदर ऑफ देम कूड कंप्लीट द टास्क अलोन। उन लोगों ने क्या, दोनों ने विचारा कि ये हम अकेले से ये नहीं हो सकता, उसमें यानी कि दोनों का सपोर्ट चाहिए। दे हैड टू ट्रैवल टुगेदर, हम दोनों मिलके वहाँ पे जाएंगे। द प्लान वॉज फॉर द हेयर टू कैरी द टॉर्टोइस ओवर द थ्रोनी पार्ट्स ऑफ द राउट, यानी कि जो थ्रोनी पार्ट्स है, थ्रोनी पार्ट्स जब भी आएगा तभी मैं क्या करूँगा, क्या प्लान था हेयर का कि मैं टॉर्टोइस को मेरे ऊपर बिठा दूंगा। एंड फॉर द टॉर्टोइस ने क्या किया, टू कैरी द हेयर अक्रॉस द टू रिवर्स, टू रिवर्स जो पार करने थे तभी हेयर ने टॉर्टोइस को ऊपर बिठा दिया। ठीक है। द नेक्स्ट डे दे कलेक्टेड द वेरियस मैसेजेस फ्रॉम देयर किंग एंड वेयर रेडी टू गो द हेयर मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द थ्रोनी पार्ट्स ऑफ द राउट विथ हिज जायंट लॉपिंग स्ट्रीजिस व्हाइल द टॉर्टोइस हेल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। टॉर्टोइस जब भी हेयर के ऊपर चढ़ा तो उसने फीट से ऐसे यू पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। व्हेन दे कम टू रिवर, जब भी रिवर आने की तैयारी हुई तभी दे स्विचेड प्लेसेस, उन्होंने प्लेस यानी कि जगह चेंज की। एंड द हेयर कम क्लैम्बर्ड ऑन द टॉर्टोइस बैक, अब टॉर्टोइस अभी वो चढ़ गया। द टॉर्टोइस स्वाम अक्रॉस द रिवर स्विफ्टली एंड ग्रेसफुली वंस बोथ द रिवर्स हैड बीन क्रॉस्ड, तभी रिवर क्रॉस हुई। आई डिड नॉट टेक देम लॉन्ग टू अराइव एट द नेबरिंग किंगडम, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए इस तरह से करके। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विद द नेबरिंग किंग ऑन ऑल द मैटर्स रेज्ड बाय देयर ओन किंग द हेयर एंड द टॉर्टोइस वेयर रेडी टू लीव, उन लोगों ने दोनों ने जो दूसरे जो जंगल के राजा थे वहाँ उन लोगों की कहानी सभी सुन ली और बाद में वो लोग चले गए, यानी कि चलने के लिए वो तैयार हो गए, वो फॉरेस्ट छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। द रिटर्न जर्नी वॉज इवन स्मूथर देन द ऑनर जर्नी सिंस बोथ द हेयर एंड द टॉर्टोइस नाउ न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, अब हमको क्या करना चाहिए। द टू ओल्ड रिवर्स हैड वर्केड टूगेदर सो वेल दैट दे रीच्ड देयर किंग अ फ्यू आवर्स बिफोर द डेडलाइन, जो किंग ने डेडलाइन दी थी उसके पहले ही थोड़े घंटे पहले ही वो लोग आ गए, यानी कि किंग ने बोला था कि आप इतने टाइम तक आ जाना पर वो एक घंटे पहले ही वो लोग आ गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है, साथ में मिलके जो वर्क करते हैं तो जल्दी से वो आसान हो जाता है।
कभी भी अकेले में नहीं करना चाहिए, कोई भी वर्क होता हो तो हम आसानी से दोनों से मिलके हम लोग करते हैं तो ज़्यादा हमको इजी रहता है। ओके, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को ये खास फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये आता ही है, मैं इतना तो कर ही लेता हूँ, एग्ज़ाम आएगी तब तक मेरा हो ही जाएगा, ये मुझे आता ही है। इस तरह से कई कई सवाल ऐसे यू करते हैं, पर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है या तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कुछ ना कुछ उनकी गलतियाँ निकलती है। सो हमें भी, आपको भी ओवर कॉन्फिडेंट रखना नहीं चाहिए, पहले करना चाहिए अच्छे से और बाद में आपको राइट करनी चाहिए, एक बार लिख लेना चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर कि आपको कितना आता है। ऐसे ही आपको नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि ये मुझे आता है, वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओके, ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट, व्हाई वाज द हेयर डेफिटेड इन द ग्रेट रेस, क्यों हेयर हार गया ग्रेट रेस में, आंसर क्या आएगा, द हेयर वॉज डेफिटेड इन द ग्रेट रेस बिकॉज ही वॉज लेजी एंड ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, क्योंकि वो लेजी एंड क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट था। ओ, ओवर कॉन्फिडेंट का क्या स्पेलिंग होता है, ओ वी ई आर सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी, ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सेकेंड, What task were the hare and the tortoise given by their king? क्या लिखा है, What task were the hare and the tortoise given by their king? किंग द्वारा उनको क्या टास्क यानी क्या बोला गया था उनको, तो क्या आंसर आएगा, The hare and the tortoise were given the task of going to the neighboring kingdom and discussing certain important matters with the king there within a day. फिर से रिपीट कर रही हूँ विथ स्पेलिंग, द हेयर एंड द टॉटोइज वेर गिवन द टास्क ऑफ गोइंग टू द नेबरिंग एन ई आई जी एच बी ओ यू आर आई एन जी, वापस रिपीट कर रही हूँ, नेबरिंग का एन ई आई जी एच बी ओ U R I N G, kingdom and discussing D I S C U double S I N G, वापस रिपीट कर रही हूँ, D I S C U double S I N G, certain C E R T A I N, certain important matters with the king there within a day. Okay, third number, how did the two successfully travel together, वो दोनों ने किस तरह से मिलके travel को success बनाया, उसका answer क्या आएगा, third का आंसर, द टू सक्सेसफुली ट्रैवल टूगेदर एज दे प्लानेड, क्या प्लान था, प्लानेड फॉर द हेयर टू कैरी द टॉर्टोइज ओवर द थ्रोनी पार्ट ऑफ द राउट एंड फॉर द टॉर्टोइज टू कैरी द हेयर अक्रॉस द टू रिवर्स, दोनों ने एक दूसरे को उनके कठिन टाइम पे यानी कि जो उनसे नहीं होता है वो एक दूसरे ने एडजस्ट करके यानी कि प्लान बना दिया था कि जब थ्रोनी प्लांट्स आएगा तभी क्या होगा, कौन कैरी करेगा, कैरी यानी कुछ ले लेना उनके ऊपर, टॉर्टोइज ओवर द थ्रोनी पार्ट्स ऑफ द राउट, किसको, द हेयर है उसने टॉर्टोइज को ऊपर बिठा दिया एंड
द टॉर्टोइज टू कैरी द हेयर अक्रॉस द टू रिवर्स, और जो टॉर्टोइज है उसने हेयर को ऊपर बिठा दिया था। वापस रिपीट करियो, द टू सक्सेसफुली ट्रैवल गेट टूगेदर एज दे प्लानेड फॉर हेयर टू कैरी CARRY कैरी द टॉर्टोइज ओवर द थ्रोनी पार्ट्स ऑफ द राउट RUTE राउट एंड फॉर द टॉर्टोइज टू कैरी द हेयर अक्रॉस द टू रिवर्स। ओके, फोर्थ नंबर, वाई वॉज देयर रिटर्न जर्नी स्मूथर, आते समय उनका जर्नी क्यों स्मूथर बना, क्योंकि द रिटर्न जर्नी वॉज स्मूथर देन द ऑनवर्ड जर्नी सिंस बोथ द हेयर एंड द टॉटो इज देन न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू दे वेयर फेमिलियर विद द राउट। उनको एक बार वहाँ से चले गए, उन लोगों को पता चल गया कि किस तरह से क्या करना है, इसलिए रिटर्न में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। वापस रिपीट कर रही हूँ, द रिटर्न जर्नी वॉज स्मूथर देन द ऑनवर्ड जर्नी सिंस बोथ द हेयर एंड द टॉर्टोइज देन न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो हमें पता है, दे वेर फेमिलियर विथ द राउट। ओके, फाइव नंबर, वाई डू यू थिंक द हेयर एंड द टॉर्टोइज सक्सेड इन देयर टास्क, उनके टास्क में वो क्यों सक्सेस हुए, आपके क्या विचार है। फाइव नंबर, द हेयर एंड द टॉर्टोइज सक्सेडेड इन देयर टास्क, वो लोग सक्सेस हुए क्योंकि बिकॉज दे हैड वर्क टूगेदर, वो लोगों ने वर्क क्या किया, मिल के किया। सो वेल दैट दे रीच्ड देयर किंग अ फ्यू आवर्स बिफोर द डेडलाइन, किंग ने जो डेडलाइन थी उसके पहले ही वो लोग पहुँच गए थे। द हेयर एंड द टॉर्टोइज सक्सेडेड इन देयर टास्क बिकॉज, वापस रिपीट करियो ध्यान से सुनो, दे हैड वर्क टूगेदर सो वेल well दैट दे रिचड RECHED रिचड देयर किंग अ फ्यू आवर्स HOURS आवर्स बिफोर द डेडलाइन DADLINE डेडलाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 1 to 5 तक आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। ओके, अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द टॉर्टोइज हैड डेफिटेड द हेयर इन द ग्रेट रेस, ग्रेट रेस में वो क्या हार गया था। ठीक है, सेकेंड, द टॉर्टोइज हैड वॉन बिकॉज ही वॉज, वो जीत गया टॉर्टोइज क्यों, क्योंकि वो स्लोली एंड स्टेडी था, स्लो SLOW स्लो एंड स्टेडी STEADY। थर्ड नंबर, द किंग ऑफ देयर जंगल हैड मैटर्स टू डिस्कस विथ द किंग ऑफ द नेबरिंग जंगल, थर्ड में क्या आंसर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। द किंग ऑफ द जंगल हैड मैटर्स टू डिस्कस विथ, किस कहाँ पे उसका, किसके साथ उसको डिस्कस करनी थी मैटर, दूसरे जो नेबर थे जंगल के राजा उसके साथ उसको डिस्कस करना। द किंग ऑफ द, आंसर क्या लिखोगे आप, द किंग ऑफ द नेबरिंग NEIGHBOURING नेबरिंग जंगल JUNGLE जंगल। फोर नंबर, द किंग सेड दैट द हेयर एंड द टॉर्टोइज हैड ओनली वन डे टू कंप्लीट द टास्क, ओनली वन डे में उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया COMPLETE कंप्लीट द टास्क। ओके, सी,
फॉलोइंग आर सम एक्सप्रेशंस यूज इन द स्टोरी राइट देयर मीनिंग्स एंड देन यूज ईच वन इन अ सेंटेंस। मैं आपको मीनिंग तो बता दूंगी ठीक है, पर आपको उसके सेंटेंस अपने आप बनाने हैं ठीक है। मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, पर आपको अपने आप करना है ताकि आपको भी पता चले। कोई भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि स्टोरी के ऐसे ही अब अपने आप भी आप बना सकते हो। ओके, आप लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब आप कर ही सकते हो। ओके, फर्स्ट मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो ऊपर लाइन बताई गई है उसमें क्या लिखना है आपको सेंटेंस। यहाँ पे जगह मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, पर आपको इस तरह से आपको ये से पूरे ही लिखना है। ओके, ऐसे लाइन ड्रॉ थोड़ी कर देना आगे और बाद में लिख देना ठीक है, और सेंटेंस आपने आपको बनाना है ठीक है, खुद बनाना है। बी क्विक इन डी ई ए एल आई एन जी डायलिंग विथ और डेफिटिंग समबडी या तो समथिंग। वापस रिपीट कर रही हूँ उसका मीनिंग, बी क्विक क्यू यू आई सी के क्विक इन डायलिंग विथ और डेफिटिंग समबडी, या तो यहाँ पे आपको ऑब्लिक करना है या तो समथिंग, दोनों में से एक आप लिख सकते हो, समबडी भी लिख सकते हो और समथिंग भी आप लिख सकते हो। सेकेंड नंबर फेयर एंड स्क्वेयर, यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे ऊपर ही लिखना है। ओके, क्या होगा फेयर एंड स्क्वेयर का मीनिंग, जेन्यूनली एंड एज पर द रूल्स, जी ई एन यू आई एन ई एल वाई, जी ई एन यू आई एन ई एल वाई, जेन्यूनली एंड एज पर द रूल्स, आर यू एल ई एस रूल्स। थर्ड नंबर एज्यूम एज, क्या मतलब क्या होता है, बी प्राउड एंड एक्ट सुपेरियर, बी प्राउड पी आर ओ यू डी प्राउड एंड एक्ट ए सी टी एक्ट सुपेरियर एस यू पी ई आर आई ओ आर। वापस रिपीट कर रही हूँ सुपीरियर का, एस यू पी ई आर आई ओ आर सुपीरियर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी और यहाँ पे आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय बाय।